दोस्तों एक खिलाड़ी ने लिया 4 गेंदों में 4 विकेट और मचा दिया कोहराम। दोस्तों भारत के घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में सेमीफाइनल में विदर्श ने दर्शन नालकंडे के कमाल के प्रदर्शन किया। उन्होंने लगातार 4 गेंदों में 4 विकेट लिया और साथ ही हैट्रिक भी पूरी की। हालांकि उनकी टीम को कर्नाटक ने 4 रनों के अंतर से हरा दिया। कर्नाटक ने इस मुकाबले में 7 विकेट पर 176 रन बनाए, जिसके बाद विदर्भ टीम 20 ओवरों में 6 विकेट पर 172 रन ही बना पाई। हालांकि दर्शन नालकंडे ने प्रभावित किया और हैट्रिक के साथ 4 विकेट झटके। दोस्तों दिल्ली में खेले गए इस मैच की बात करें तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सेमीफाइनल में विदर्भ के कप्तान अक्षय वाडकर ने टॉस जीता और कर्नाटक को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। इस सेमीफाइनल मैच ने 20 ओवर में कर्नाटक ने 7 विकेट पर 176 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। उसके बाद ओपनर रोहन कदम और कप्तान मनीष पांडे ने अर्धशतकीय पारियां खेली। रोहन ने 57 गेंदों में 7 चौके और 4 छक्के लगाते हुए 87 रन बनाए, वहीं मनीष पांडे ने 42 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 54 रन बनाए। दोनों ने 132 रनों की ओपनिंग साझेदारी की। नालकंडे ने 4 विकेट लिए जबकि ललित यादव ने 1 विकेट लिया। दोस्तों उसके बाद बात करें स्कोर की तो नालकंडे की यह कमाल की बात रही। दोस्तों दर्शन ने पारी के अंतिम ओवर में कमाल दिखाया। उन्होंने दूसरी गेंद पर अनिरुद्ध जोशी को और यश ठाकुर के यहाँ तो कैच कराया। अगली गेंद पे बीआर शरद को 0 पर आउट किया और चौथी गेंद पर जगदीश सुचित को अनखेड़े के मैच में कैच करा दिया, जिसे दर्शन की हैट्रिक पूरी हुई। फिर पांचवी गेंद पर अभिनव मनोहर को 27 रन को अथर्व ने लपका, जिससे टीम का स्कोर 7 विकेट पर 175 रन हो गया। और दोस्तों ये हुई 4 गेंदों में 4 विकेट लेने का कीर्तिमान रचते हुए दर्शन ने यह साबित कर दिया कि वो एक क्वालिटी गेंदबाज है और आने वाले समय में भारतीय टीम के लिए काफी अच्छा बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या खिलाड़ी भारतीय टीम में सेलेक्ट होगा या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।